आपके फेवरेट शो नागिन सिक्स में आज हुआ बारह धमाका जब प्रोफेसर जीत की असली चेहरा सबके सामने आ गया कि वो देश के अभी रक्षक नहीं वो भक्षक बन गई है। उसके साथ ही त्रिशा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा राज खुलता है कि त्रिशा असलियत में प्रोफेसर की ही बेटी है। उसके साथ ही मिग्नेरी और त्रिशा ने मार दिया है स्वर्णा को। प्रार्थना और रघुवीर को पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी बेटी मेहर ही है। उसके साथ ही नागिन सिक्स का सबसे बड़ा राज खुलता है कि महक और प्रोफेसर है पति पत्नी। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट शो और कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो नागिन सिक्स के आज के धमाकेदार एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिला। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में तो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के धमाकेदार एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जो स्वर्णा है उसको मार देती है मिग्नेरी और त्रिशा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो प्रार्थना और रघुवीर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और स्वर्णा बोल देते हैं उन दोनों को कि उनकी जो बेटी है वो मरी नहीं वो जिंदा है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो स्वर्णा है वो मर जाती है। उसके साथ ही नागिन सिक्स का सबसे बड़ा राक्षस यानी असुर को दिखाया जाता है वो है प्रार्थना के पिता यानी प्रोफेसर जीत। वो बोलते हैं उन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया लेकिन देश ने उनको कभी अपने कर्म के लिए पुरस्कृत नहीं किया गया है इसलिए वो अभी राक्षस बन चुका है यानी देश के दुश्मन बन चुके हैं। उनकी जो माँ है वो है सीमा यानी वो भी एक बड़ी राक्षस थी। जो प्रोफेसर है वो राक्षस लोग से ही बिलोंग्स करते हैं। उसके साथ ही हमें देखने को मिला जो त्रिशा है वो असलियत में है प्रोफेसर की बेटी और प्रोफेसर की जो पत्नी है वो और कोई नहीं वो है नीली नागिन महक। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है नागिन सिक्स के। उसके साथ ही हमें देखने को मिला आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है प्रार्थना और रघुवीर को कि उनकी बेटी मेहर ही है। तो नागिन सिक्स में काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज ट्विस्ट आने वाली है आने वाले एपिसोड में। तो आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। जहाँ पर महक की धमाकेदार एंट्री होने वाली है नागिन सिक्स में उनका छोटा सा झलक दिखाया गया है आज के एपिसोड में। तो आने वाले एपिसोड में उनका जो किडर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नागिन सिक्स की हमें बीते एपिसोड में देखने को मिला था जो लड्डू है उसकी जान बसा लेता है महाशेष नागिन प्रार्थना और महाशेष नाग रघुवीर। उसके बाद हमें देखने को मिला लड्डू की शादी हो जाती है उसके साथ ही प्रार्थना और रघुवीर की भी शादी हो जाती है क्योंकि मेहर ने धोखे से फिर से करवा दिया प्रार्थना और रघुवीर की शादी। उसके बाद हमें देखने को मिला जो मिग्नेरी और त्रिशा है वो पूर्विका के शरीर से सारा जहर निकाल लेते हैं और पूर्विका की जान मुसीबत में आ जाती है। उसके साथ ही जो स्वर्णा है उसको पता चल गई है जो मेहर है वो ही असली बेटी है प्रार्थना और रघुवीर की। जब मेहर की एडॉप्टेड पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि मेहर उनकी असली बेटी नहीं है तब स्वर्णा सबको सुन लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दिन लाल रात का सांड होती है तो इसलिए जो मेहर है वो अपने नागिन वाले अवतार में आ जाती है और स्वर्णा ये सब देख लेते हैं लेकिन स्वर्णा सबको नहीं बता पाते हैं कि असलियत में प्रार्थना और रघुवीर की ही बेटी है मेहर। उसके बाद हमें देखने को मिला महाशेष नागिन प्रार्थना और महाशेष नाग रघुवीर दोनों मिलकर पूर्विका को ले जाते हैं नाकलोक क्योंकि पूर्विका की जो सारा जहर है वो निकल चुकी है। अब प्रार्थना और रघुवीर बसा नहीं पाएंगे पूर्विका को। अगर उसकी जो दूसरी बेटी है वो आ जाए तभी बसा पाएगी पूर्विका की जान। उसके बाद हमें देखने को मिला जो रघुवीर और प्रार्थना सोच रहे हैं कि कैसे बसाएं पूर्विका की जान। उसके बाद हमें देखने को मिला जो मेहर है वो अपने नागिन वाले अवतार में आ जाती है और प्रार्थना देख लेती है। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।